और हम लोग चाह रहे थे कि कब समय निकाले वहाँ पहुँचे, तो आज अभी कल ही जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने भी कड़ा निर्देश दिया था कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो लागू हो, जमीन पे दिखनी चाहिए और आप लोग एक्शन मोड में आ जाओ और कहीं भी कोई अगर कोताही बरतेगा तो बक्सा निकल जाएगा। और निश्चित रूप से जब आज हम लोग आए यहाँ पे देखें, स्थिति खराब है, साफ सफाई ठीक नहीं है, पर जब हम अधिकारी लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ऑलरेडी हमारे अध्यक्ष साहब ने जो साफ सफाई विभाग जिनको सौंपा गया है, जो लोग टेंडर पे लिए हैं, उनको इन्होंने ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है क्योंकि उनका काम अच्छा नहीं है। तो इससे आगे भी ये जो है सूचना जाती है कि आगे जो कोई व्यक्ति आएगा इस पद पे या इस कार्य के लिए, वो भी ये जान के रखेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ हमको बक्सा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा और हमको 10-15 दिन का सचिव साहब ने कहा है कि 15 दिन में पूरी मंडी साफ दिखेगी, तो मैं आप लोगों को 15 दिन बाद फिर यहीं मिलूंगा सचिव साहब के साथ में, आप भी आइए और वो उन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। गर्मी चल रही है और कोई उपयोग कर नाली, पैसे का बंडा बांट दिया गया यहाँ पर, पैसे आए और पैसे खत्म हो गए और नाली बना नहीं, तो इसके इसलिए इसकी ही जिसकी भी जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति भी इसके जिम्मेदार हैं और उन्होंने काम सही से नहीं किया है, वो कोई बक्सा नहीं जाएगा। ये महाराज जी का सीधा सीधा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा निर्देश है कि जो भी व्यक्ति है और काम नहीं किया है, सिर्फ कागज पे दिखावा चल रहा है, वो बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है, जो भी है, जो भी चीजें सामने आएगी वो उसका आपको निवारण दिखेगा, 100% दिखेगा। कितने दिन का समय दिया आपने? हमको 15 दिन का समय सचिव जी ने दिया कि 15 दिन में मंडी साफ दिखेगी, आप खुद बात कर सकते हैं। गंदगी को लेकर पानी जमाओ और कूड़ों के निस्तारण के संबंध में तो मैंने सचिव को कई बार निर्देश दिया है कि आप उसको, जो एजेंसी सफाई कार्य में लगी हुई थी, उसको कई बार मौका दिया, कभी साफ करता रहा कभी नहीं करता रहा, तो शिकायतें एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से खत्म नहीं। जब उसने फाइनली जब हमें ये लग गया कि ये कार्य करने में संभव नहीं है, तो मैंने सचिव महोदय को निर्देश दिया कि जो एजेंसी सफाई कार्य में लगी हुई है, सबसे पहले तो उनका उस माह का वेतन रोक दिया मैंने, जो उनको भुगतान होता है मानदेय जो हम देते हैं उनको, दूसरा उस पूरी कंपनी को ही हमने ब्लैकलिस्ट करने के लिए उनको निर्देश दे दिए हैं। हमने उसको करने के बाद हम जो है 25 तारीख को कल जो है एक नया टेंडर सफाई के लिए खोलने जा रहे हैं और नया टेंडर वालों के लिए ये साफ सख्त संदेश हो गया है कि अगर आप सफाई से कोई समझौता करेंगे तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अगला स्टेप ये होगा कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सफाई के कार्य में आपको कहीं भी आगे सफाई से रिलेटेड कोई कार्य न मिले। आखिर इतना दिन लग गया सर, जब ये आए तो आप नया टेंडर निकाल रहे हैं? नहीं, पहले से 10-15 दिन पहले की कार्रवाई चल रही थी। टेंडर आया गया था कि जो पिछला ठेकेदार था उसके द्वारा सफाई कार्य ढंग से नहीं हो रहा है, तो तत्काल मैंने पहले तो उसका जो मंथली बेसिस पे पेमेंट होता है सफाई का, मई महीने का रुका था, मैंने उसको रुकवा दिया है और उसकी कंपनी को मैंने ये कह दिया कि उसको ब्लैकलिस्ट करें ताकि दूसरों के लिए नजीर बने। जो काम आपको अवार्ड है, जो काम के लिए आपको रखा गया है, अगर वो आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने इनको बता दिया। दूसरे नेक्स्ट इनकी निविदा खत्म हो रही है 30 तक, कल जो है शायद निविदा खुल जाएगी, 25 को निविदा खुल जाएगी, उसके बाद नया आ जाएगा, उसके लिए नया जो टेंडर लेने के लिए आ जाएंगे, सफाई हमारी चालू हो जाएगी। दूसरा, हमने एक मंडी के लिए सफाई की निगरानी समिति भी बनाई है जिससे हमने सचिव को निर्देश दिया है कि उनका हमको जो है वीकली रिपोर्ट चाहिए और बाकी सबको भी मैंने बोल दिया व्यापारियों के लिए कि अगर सफाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो मंडी के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप आके तहसील में हमको बता सकते हैं, उसका निराकरण जो है 24 से 48 घंटों के अंदर करा दिया जाएगा। तो ये जो दिनेश जी ने जो कंप्लेन शिकायतें सुझाव दी है उसको लेकर? नहीं, दिनेश जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्रेजेंट में तो नाली का जो इन्होंने देखा है कि नाली निकलवाया जाए, पानी काफी रुक रहा है जो कि बारिश के आने के समय में ये स्थिति और भी खराब हो जाएगी, तो इनका सुझाव हमने देखा, बड़ा अच्छा सुझाव था कि यहाँ से हम एक नाली का प्रपोजल बना के और सामने जो हमारा मेन नाली है उसके लिए जहाँ पे पानी रुक रहा है वहाँ से एक नाली बना के उसमें मिला देते हैं ताकि आने वाले बरसात के दिनों में और भी स्थिति खराब ना हो और बारिश का पानी जो है रुके मत मंडी में।